ले दीदी पानी पियो। चुप रहा तुम, चुप रहा दीदी। चुप रहा दीदी। का बात का है जा बताओ। मैंने तुम्हारी तुम वीडियो देखती हो है? तुम्हें तुम वीडियो देख रही थी। तुम बीमार और पड़ जाइयो ऐसे तुम। वेलकम टू माय ब्लॉग। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे ब्लॉग में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करत बहुत अच्छे हुई हैं। तो फ्रेंड आप लोगों के प्यार सपोर्ट दुआ से हम ठीक हैं और आप लोग ठीक रहें और बहुत आगे तक जाएं। मेरे चोट लग गई थी पौरा लेके न्यास खोद रहे थे तो मेरे पाए में पौरा लग गए तो मोहल्ला वाले लीप रहे थे एकदम बजे का हो घूमने के पाए में पौरा लग गए तो एकदम मई सबरे आए भाग के इन्ने सुनी वीडियो देखो तो जेऊ आए गई का हो दीदी हमने की कछू नहीं पौरा लग गो तो सोई जे आई न्यास खोद रहे थे जा देखो पीछे अब हथ फट डरी आएगी अब आराम मिले है तब करें हैं और नहीं तो एक लोगन तो कही है तो वे आई हैं खुद ही हैं आए कहें दादा दीदी देखा ना आई है इतनी लग जा था चोट लग गई। और जे देखो केला ले आई आएंगी एक दर्जन केला लेके आई हैं और देख लो जे ले आई साड़ी एंड जिनने पाए कि मेरे चोट लग गई जो पौरा लग गो इनने सुनी तो केला ले आई आप लोग खाए जाओ और जा साड़ी ले आई है तो देखो आप लोग साड़ी बिल में बिल्कुल वैसी स्वयं स्वयं फोटो निकली है अच्छी लग रही है बिल्कुल हल्के कपड़ा में। और आप लोग कमेंट करके बताइए कैसी लग रही है हमें तो बहुत अच्छी लगी है। अब कोई की ले आई वही चीज़ हमें पहली बार पसंद आती ही है और हम ऐसे कलर ले नहीं पाते काग मारा करिया है जब पहने हैं तो सही लगे है। अब भाभी लोग अगर कोई देख रही हो दीदी लोग तो आप लोग पहले पहन लो बाद में पहन लिए सही बात। और का कोई पसंद आ रही हो तो वो पहले पहन ले हम बाद में पहन लिए सही बात। कलर बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड। राधा दीदी को स्वभाव अच्छा है जाके वजह से हम बार बार आना फेमस तो बहुत दुनिया है मन हम का ही नहीं जा तो बढ़िया स्वभाव है बहुत बढ़िया है लेकिन अब कच्चा बताऊँ देख रहे घर की कंडीशन काम में लगे अब का करा काम करें या नहीं तो बताओ कैसे हुए अकेले करवे के लान है। अब जैसे ये बिट्टी आई आएंगी तो बताओ अब इन्हों को मान लो जो आवा गई है वह रही है तो उन्होंने के देखने पड़े है और जब घर की साफ सफाई करने पड़े है हमें सारा तो आया नहीं है काऊ को कि आए कोई अब मेरे घर बैठो है तो हमें सारा मिल जाए कोई कराए दिया सो तो आया नहीं है आप लोगों को पता ही है जाची हैं तो एक मारा हम कर रहे हैं काम कि घर की मेरी दीपावली तक साफ सफाई तो हो जाए और जब सहले लोग आए हैं तो अच्छो नहीं लगे गंदगी अच्छी नहीं लगा था और हमें तो शुरू ही से गंदगी नहीं अच्छी लगी कब हम दीदी के चोट और हमें का कोई नहीं अच्छी लगा और मेरे पाए में लग गो है तो का नाम एक मारा हमें दिक्कत हो गई है बस और कहूँ नहीं लेकिन हम दिक्कत समझत नहीं आएंगे पाए आए मैं नया का थोड़ी देर पर रही है जितनी देर लगा था उतनी देर दर्द करी है बस फिर जब गाइस राधा दीदी बैठी हैं और इन जे भाई साहब जो बैठे सामने इनकी शादी होने जा रही है ये हमारे रमेश भैया हैं जो रश्मि इनके हाथ की रोटी खाओ करती थी और पप्पू भैया के हाथ की तो इनकी शादी होने जा रही है तो इन लोगों को बहुत खराब लग रहा है काहे मारा रश्मि जा खाओ करती थी कि मामा ब्याह करो फिर हम तुम्हारी बरात चले हैं तो रश्मि कहती थी कि मामा तुम्हारी शादी में जरूर चले लेकिन रश्मि आज हमारे बीच है नहीं यादें हमेशा बनी रही हैं यादें हैं हमेशा बनी रही हैं और दीदी और ये दीदी सारा सहयोग दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है और सबसे बड़ी दीदी जी देखो बैठी सामने जे रमेश भैया की सबसे बड़ी दीदी है मेरी बड़ी हमारी मैं मतलब जे हम सब बड़ी है और एक इनसे छोटी है वे भीतर तैयार हो रही है मैं कल जे ये शादी हो जे कपड़ा आए हैं बहू पहले जे साड़ी आनी आई है आप लोग कमेंट करके बताइए साड़ी के कलर कैसे लग रहे हैं। देखो साड़ी एक दो तीन चार पाँच छः और उधर वो सूट उट शायद कुछ और रखो है जी और जो बिट्टी ठड़ी हैं बिट्टी कैसी हो तुम सही हो जे रमेश भैया की भांजी है
गाइस ये सोने की चीजें रखी हुई है और ये चांदी की, ये कंदनी रखी हुई है। बताओ दीदी, चार चीजें है जे है पहले आप लोग देख लो, हम आप लोग उनके दिखाए दे रहे हैं, जाके मारे है। जो चाची खत्म होगी दुख ही दुख की बात है, आप लोग उनके का बताए, आप लोग उनका सब चीज पता है। जो चाची खत्म होगी उनके ही जो लड़का है, और सभी लोग अब सोच में परे आएंगे, ये रश्मि नहीं है चाची नहीं, तो अब जो है वो तो सब काम करो ही जाइए। तो जे रही है पाना बहुत दे रहे हैं, और जा रही है कंदनी बिट्टी लाए बैठी, देख लो जा कंदनी आएगी, हम आप लोग उनको दिखाए दे रहे। और जा रही है बेसर, तो जा बेसर है, और जे रही बहू के लाने कुंडल, चार चीजें हैं। तो फ्रेंड आप लोग समझ सका था कि मजबूरी की स्थिति का होता है, तो जैसी व्यवस्था आती सब लोगों के पास वैसे ही हिसाब से शादी करी जा रही है। सही है, जैसे हैं वैसे सही है। और का अब जो सब चढ़ाए के लाने, जो सब कपड़ा रखे है, जो जामा कपड़ा रखे है, सब कपड़े ही आएंगे आप लोग जी। ये सारा जोरी के दे देख लो ऑटो, रमेश भैया पहले देखो कपड़ा, तो जे है दुबले राजे के कपड़ा, दुबले राजे के, राजा के दूल्हा राजा के, तो देखो कितने खुश हो रहे मामा की बरात नहीं है, देखेगा कितने खुश हैं। तो फ्रेंड आ दो सामान आओ, और अबे आ दो आओ नहीं है, तो जो कुछ सामान है मार्केट बंद थी दिव्यापुर की। हाँ तुम ध्यान ही नहीं, हमें और वाले जा रहे थे संग में, चलो हमें ध्यान नहीं होती, कल वो भी सामान ले लेंगे सुबह। हाँ सही है, मतलब भैया की शादी है कल, बारात जाइए, इतनी दूर बारात जा रही है, अगर पास में जाती हम बारात ना छोड़ते, दो रसगुल्ला खान जरूर जाते। हाँ दीदी, बड़ी दीदी बताया दो, कच्ची बताया दो, अनीता दीदी यही बारात है। दीदी बहुत खुश है, भैया की शादी है, शादी का मुझे कह रहे थे अगर तुम नहीं आए तो हम कुछ नहीं करें शादी आदि। अच्छा तो सही बात है, ये बड़ी दीदी है यही कर रही हैं, अच्छा, जो कुछ कर रही हैं। अच्छा जी, मालकिन है, मालकिन सही है, बड़ी दीदी तो बड़ी दीदी हैं, बड़ी दीदी माँ के, माँ के माँ जब नहीं रहती तो बड़ी दीदी संभालती सारा घर, प्रधानमंत्री और जी, और ये भी हमारी बहन है, ये भी हमारी बड़ी बहन है, राधा दीदी भी, राधा दीदी और ये अनीता दीदी दोनों लोग एक समान है हमारे लिए, दोनों हमारी बहनें हैं, ये जाती है। हाँ। तो देखो जी हमारे घर ही सब लोग, सब जो देखो राधा दीदी को घर है, छोटी बहन है, बता भैया तो ये जय मालिक है ना, मैं जय बड़ी दीदी है, ये तीनों लोग हमारी बहन है। अच्छा जय, हाँ राधा दीदी हो गयी, अनीता दीदी हो गयी, सुनीता दीदी हो गयी। अच्छा, और हमारी शादी है, हाँ तो मतलब इन्हीं को, इन्हीं की जिम्मेदारी है तीनों लोगों की। ऑडियंस कह रही है मैं रसगुल्ला खवाओ, रसगुल्ला भी खिलाएंगे, कब जब खाने आएगी तब खिलाएंगे जी। देखो एक बोल पड़ी बहू है, तब हमें रसगुल्ला मिले, उन्हें तो विदाई दाई सब मिल गई, मिल गई हमें, पांच को मिलो, पांच को मिलो, और अभी ठंडा पिला रहे हैं, ठंडा पिला रहे हैं, जब बहू आएगी इसके बाद रसगुल्ले भी खिलाएंगे, ठंडा प्लान जा रहे हैं ले अनिल, ठंडा ले भैया, बुलाए ले खटिया, ये बड़ी दीदी और छोटी दीदी खड़ी है सामने, राधा दीदी खड़ी है ना ही का ऐसी ब्याह हो जा रहा, तो गलत ना बोलियो ना ही, नहीं ब्याह हो सही ना, जय कुमार ने कपड़ा पहने आज, ये को ब्याह हो जाए,